वेलकम टू द फजूल व्लॉग। फजूल व्लॉग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत ही फजूल दिन चल रहे हैं। और फजूल दिन चल क्यों रहे हैं, क्योंकि आजकल चल रहे हैं एग्ज़ाम, पढ़ पढ़ के दिमाग ख़राब हो रहा है। 3 पेपर हो चुके हैं, जस्ट 2 रह गए हैं और अभी 4 छुट्टियाँ थी, इसीलिए आज मैं घर से बाहर निकला है। क्योंकि अब आदत ऐसी बन चुकी है कि हफ्ते में एक दफ़ा अगर बाइक राइड के लिए ना निकलें तो सांस आना बंद हो जाता है यार। अभी मैं बहुत बोर हो चुका था तो ऐसे ही घर से बाहर निकल आया हूँ। कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है, बस घर से बाहर आना था। रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर ही आगे 2 पेपर्स की तैयारी हो सकेगी। तो थोड़ी देर बाहर टाइम स्पेंड करते हैं और फिर वापस चलेंगे। यार मेरे साथ तो एग्ज़ाम में ये हमेशा होता है कि जब भी एग्ज़ाम चल रहे होते हैं ना, मेरी एग्ज़ाम के बाद की फुल प्लानिंग चल रही होती है कि एग्ज़ाम के बाद हमने कहाँ जाना है। अगर मेरे फ़ोन में आप एक हफ्ते की सर्च हिस्ट्री देखें ना, तो उसमें यही कुछ आपको मिलेगा कि एक्सपेक्टेड स्नोफॉल डेट्स इन मरी, हाउ टू राइड योर बाइक इन स्नो विदाउट फॉलिंग, क्योंकि उसकी टिप्स भी लेनी है ना, आगे स्नो में बाइक चलानी है तो कोशिश ये करनी है कि कम से कम ही गिरें। तो आजकल मेरे यही कुछ चल रहा होता है। इवन ये तो कुछ भी नहीं, एग्ज़ाम के दिनों में बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि यार छोड़ो और पढ़ाई को, बहुत पढ़ लिया, छोड़ो ये एग्ज़ाम, शादी करो और लाइफ में सेटल हो जाओ आप। बस घूमने फिरने तक की प्लानिंग तो समझ में आती है, लेकिन बात शादी तक पहुँच जाना, ये चीज़ समझ से बाहर है, और वो भी एग्ज़ाम के दिनों में। तो आप लोगों से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, या मैं ही कोई एक्सेप्शनल केस हूँ। यहाँ पर अभी रिसेंटली CDA की तरफ से प्लांटेशन हुई है, और जब भी मैं इस तरफ से गुजरता हूँ ना, ये रास्ता मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर जाकर ये कैसा लगता है। तो छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन जब इनकी ग्रोथ हो जाएगी ना, और दोनों साइडों से ये पाइन ट्रीज होंगे और बीच में ये रास्ता होगा, तो वाकई काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अच्छी खासी हाइकिंग हो गई है हमारी। अभी यहाँ से टॉप मुझे सामने ही नज़र आ रहा है, तो यहाँ तक आ गए हैं, तो ऊपर टॉप तक ही चलते हैं। तो हम टॉप पर पहुंच चुके हैं। अगर वेदर अगर अच्छा हो ना, क्लाउडी वेदर हो, तो वाकई बहुत मज़ा आएगा इस ट्रैक पर। अभी हाइकिंग की वजह से ना गर्मी महसूस हो रही है। वैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना बड़ा बैग क्यों लेके आया था। यार जिस टाइम मैं घर से निकला था ना, उस टाइम फुल क्लाउडी वेदर था और चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे बारिश के, तो मैं अपना रेनकोट वगैरह, जैकेट वगैरह, वो सब चीज़ें साथ में लेके निकला था। लेकिन अभी का सीन आपके सामने ही है, तो वो सब चीज़ें उठानी थी, इसीलिए ये मैं इतना बड़ा बैग लेके आया हूँ।
अभी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है इसलिए आ जाइए नीचे चलते हैं। ये था हमारा आज का एक शॉर्ट सा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर यहाँ तक देखिए और पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब मस्ट है, क्योंकि अभी तक 50% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे पेपर ख़त्म होने वाले हैं और फिर हम निकलते हैं कहीं। तो ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।